नमस्कार, राष्ट्र खबर के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं अविनाश कुमार, खेल जगत की खबरों के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के विकास के मद्देनजर 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। खेल मंत्री विजय गोयल और भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल के द्वारा शुरू की गई साझेदारी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। ट्रेनिंग और विकास, खेल विज्ञान, खेल प्रशासन, जमीनी स्तर पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे। मैच के दौरान विकेट कीपरों को चोट से बचाने के लिए अब एमसीसी के द्वारा टीथर वाली वेल का इस्तेमाल किया जाएगा। मैच के दौरान विकेट कीपरों को लगने वाली गंभीर चोट से बचाने के लिए एमसीसी ने अब टीथर वाली वेल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। इसके तहत वेल को स्टंप से ही बांध दिया जाएगा, जिससे स्टंप पर गेंद लगने के बाद भी वेल ज्यादा ऊंची न उछल सके। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन मैच के लिए इसकी मंजूरी संचालन संस्था और मैदानी अधिकारियों पर निर्भर होगी। एमसीसी ने नए नियम में बदलाव करने का फैसला किया है, जिसके लिए दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन की 2 कंपनियों ने अपने डिजाइन सौंपे हैं, जिसमें टीथर वाली वेल होगी। भारत के हरफन मौला खिलाड़ी और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का प्रबल दावेदार बताया। भारत के हरफन मौला खिलाड़ी और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भारत का मौजूदा फॉर्म देखते हुए उसे चैंपियंस ट्रॉफी का प्रबल दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि हमें बस अपने खेल के सिर पर रहना है। हरभजन को 1 से 18 जून तक इंग्लैंड में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 8 एम्बेसडर में से 1 चुना गया है। आपको बता दें कि इस समय टीम इंडिया वनडे रैंकिंग में 4th नंबर पे है। चोट से उबरने के बाद विराट कोहली की आरसीबी में वापसी तय हो गई है। अब एक बार फिर से आईपीएल के सीजन 10 में रन मशीन का जलवा देखने को मिलेगा। टीम इंडिया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली कंधे की चोट से पूरी तरह से उबर चुके हैं। वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल के मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अगुवाई के लिए फिट है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने इसकी पुष्टि भी कर दी। आपको बता दें कि विराट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची में तीसरे टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते हुए दाहिने कंधे में चोट लगी थी। वो धर्मशाला में 4th टेस्ट और आईपीएल के शुरुआती 3 मैच नहीं खेल सके थे। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु ने अपने ताजा फॉर्म को जारी रखते हुए ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के दूसरे दौर में जगह बनाई। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता शटलर पीवी सिंधु ने 2016 की ऑल इंग्लैंड चैंपियन नोजोमी ओकुहारा की चुनौती से पार पाते हुए बुधवार को सुपर सीरीज के दूसरे दौर में जगह बना ली। किदांबी श्रीकांत और बी साई प्रणीत भी आगे बढ़ने में कामयाब रहे। दुनिया के दूसरे नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने जापान की ओकुहारा को 1 घंटे में 10-21, 21-15 और 22-20 से हराया। अब उनका सामना इंडोनेशिया की फित्रियानी से होगा। रोनाल्डो की गोल की मदद से रियल मैड्रिड ने ब्रायन म्यूनिक को 2-1 से हराया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 100वें यूरोपीय गोल की मदद से डिफेंडिंग चैंपियन रियल मैड्रिड ने 10वें खिलाड़ी तक सिमटी ब्रायन म्यूनिक को चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले राउंड में 2-1 से हरा दिया। रोनाल्डो ने मैच के बाद कहा कि मैं ये रिकॉर्ड बनाना चाहता था, यहाँ तक पहुँचना सम्मान की बात है और ब्रायन जैसी टीम के खिलाफ ये मुकाम हासिल करके और अच्छा लगा। ब्रायन ने आर्तुरो विडाल के गोल के दम पर पहले हाफ में बढ़त बनाई, लेकिन हाफ टाइम से ठीक पहले रोनाल्डो ने बराबरी का गोल दाग दिया। खेल जगत से आज के लिए बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र खबर।